क्षेत्र के अंबेडकर नगर में किराए पर रहने वाली महिला से एसपीआरएफ के जवान जबरदस्ती करने से वाड़ी पुलिस में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वाड़ी महिला की उम्र 28 वर्ष है और वह 6 माह से अंबेडकर नगर में किराए के घर पर रह रही है। महिला का पैतृक गांव नवेगांव बांध जिला गोंदिया का है। वाड़ी महिला और आरोपी गौतम का परिचय गांव में हुआ था। महिला भी एक गरीब परिवार से थी और शादीशुदा थी। महिला के पहले पति से 2 बच्चे हैं। वाड़ी में महिला और आरोपी गौतम कन्हैया नेताम 45 आर किशोरी टीटी देवरी जिला दोनों गोंदिया एक ही गाँव के रहने वाले हैं। आरोपी गौतम गोंदिया में एसआरपीएफ का कर्मचारी है। महिला से गौतम ने परिचय किया, फिर प्यार में फंसाया और वह शादीशुदा है और उसका एक बेटा और एक बेटी है। आरोपी से 2 महीने पहले ही मुलाकात हुई थी। महिला का उसका पति से तलाक हो गया था और अब वह उपरोक्त पते पर अकेली रह रही है। वाड़ी में आरोपी गौतम कन्हैया नेताम ने महिला को लाया, उसे शादी करने का जासा दिया और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका यौन शोषण किया और यह कहानी किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी, इसलिए महिला ने यह कहानी अब तक किसी को नहीं बताई। आरोपी गौतम वाड़ी में महिला को ले आया और अंबेडकर नगर में एक जगह पर एक कमरा किराए पर लिया। कुछ दिन गौतम आया, उसे जबरदस्ती किया। अंत में 4 जून 2022 को गौतम ने महिला के साथ बलात्कार किया और वह फरार हो गया। आरोपी गौतम 2 महीने से फरार है। आरोपी गौतम ने अपना फोन बंद कर दिया और ड्यूटी से भी गायब हो गया। महिला अपने बच्चों के साथ अकेली रहती है और डरी हुई है। उसे अपने बच्चों और खुद के पालन पोषण की चिंता है। अपने पहले पति से भी वह अलग हो गई है। इसके बाद पीड़िता सोमवार को वाड़ी थाने पहुंची। वाड़ी पीआई प्रदीप रायनेवार ने मामले की गंभीरता को संज्ञान में लिया और 12 घंटे के भीतर मामला दर्ज किया। आरोपी गौतम कन्हैया नेताम उम्र 45 देवरी जिला गोंदिया के खिलाफ धारा 376 506 417 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था। वाड़ी पीआई प्रदीप रायनेवार के मार्गदर्शन में आगे की जाँच जारी है। वाड़ी से NBCN न्यूज के लिए सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।